ऐसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर चाहत के हाँ सपने सजोता था। On my face genuinely because I've been an Atif fan. तुम तो दरअसल फाक की बात हो। किस्मत अच्छी है मेरी सच में that I got to meet Atif Aslam in person. A legendary performer like this. तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाते हैं आतिफ असलम के बारे में बॉलीवुड एक्टर्स का क्या कहना है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं इरफान खान का क्या कहना है। ये गीत आपके दिल के कितने करीब? ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इसमें दो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, एक तो पापवन है और एक आपने आतिफ असलम को देखा। दोनों मेरे फेवरेट सिंगर हैं। पापवन को मैंने अभी मैं हर फिल्म में जाता हूँ कि पापवन आए और ये इन्होंने मेरे लिए हिंदी मीडियम में भी गाया था आतिफ असलम ने। बहुत खूबसूरत सॉन्ग था ये सॉन्ग। मतलब ये गाने ऐसे हैं जो आपके साथ रहते हैं और जो मतलब आप बार 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 सुन सकते हैं। अब दिखाते हैं रणवीर कपूर का क्या कहना है। अपने ऊपर आप जब मूवी कर रहे होते हैं तो अपने ऊपर आपके ऊपर आतिफ असलम के बहुत सारे गाने पिक्चराइज हुए हैं, कैलाश खेर के हुए हैं। अगर रणबीर कपूर से आज पाकिस्तानी व्यूअर्स ये पूछें कि अपने ऊपर सबसे अच्छी फिट किसकी आवाज़ लगती है। यू नो, अभी मेरी लास्ट रिलीज जो थी अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें आतिफ ने दो गाने गाए थे और जो सक्सेस है अजब प्रेम की गजब कहानी, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद आतिफ, क्योंकि जो उसकी पॉपुलैरिटी हमारे हिंदुस्तान में, यू नो, जो जो उनका म्यूजिक है, उनकी आवाज़ है, जो रीच है, आई थिंक लॉट ऑफ द इंडियन फिल्म्स सक्सेस हैज़ टू बी यू नो गिवन दिस, द क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू आतिफ। इज़ अ वंडरफुल सिंगर, आई लव हिज वॉइस, और जब वो गाते हैं वो पूरे दिल से गाते हैं, ऐसा लगता है कि एक हीरो गा रहा है। चलिए अब दिखाते हैं सुनील शेट्टी का क्या कहना है। मैम, मेरा मानना है कि लेट टैलेंट रिमेन टैलेंट। लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो वैसे ही रहने दिए। हमारा दिल बड़ा है, वी आर इंडियंस, और हमारा दिल हमेशा बड़ा रहेगा। और अतिथि देवो भव, अगर कोई किसी के दिल में है तो शायद इंडियन से बढ़कर कोई और नहीं है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। आइए अब दिखाते हैं वरुण धवन का क्या कहना है। दिस ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माय फेस जेन्युइनली बिकॉज़ आई हैव बीन अ आतिफ फैन एंड ही सिंगिंग आफ्टर सो लॉन्ग दिस लवली सॉन्ग कॉल्ड जीना जीना, विच इज अ लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, एंड आई थिंक ऑल ऑफ आतिफ्स फैंस एंड जनरल म्यूजिक लवर्स आर गोना बी वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू हियर दिस सॉन्ग। एंड इट्स मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आतिफ सर बहुत ही यू नो ही इज़ अ लेजेंडरी सिंगर, इज़ अ बिग सुपरस्टार, सबको ये बात पता है। हालांकि ही सच अ सिंपल ह्यूमन बीइंग एंड ही सो ईजी टू टॉक टू। जब मैं उनसे बात कर रहा था, इट डिडंट फील लाइक आई वाज टॉकिंग टू दी आतिफ असलम, यू नो, ही इज़ लाइक सच अ कूल गाय। I've never said this like so openly, but constantly, you know, I've listened to Atif's songs every day. So in that way, when you talk about creativity, there is absolutely no boundary. It doesn't matter where you come from. You touch hearts for the work that you do. So that's what we do, and that's how we are going to try to resolve the things and resolve the. Pakistan India ke talukat mein, jitna aap India mein maqbool hain, utne aap Pakistan mein bhi maqbool hain. So सब दोनों के कुछ आपको पता है, पॉलिटिकल सियासी मामला जो भी चलते रहते हैं वो तो एक तरफ, लेकिन सर पॉलिटिकल चलते रहते हैं सर। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इजाजत नहीं मिलती इंडिया में काम करने की, शर्त से थोड़ा सा कुछ बात करेंगे वो भी पॉलिटिकली होता है और पॉइंट है नहीं उसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन आपके आते तो गाई रहे हमारा एक बहुत ही बड़ा एक फेमस गाना हुआ था इंडिया गल्ला, उसके बाद सेल्फी, तो वो दोनों गाने नहीं गाए तो लाई नहीं। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके। मैं खुद ओके जी, पाकिस्तान का बिगेस्ट सुपरस्टार, मैं आपको नाम दे रहा हूँ आप सेलेक्ट करना है। राहत फतेह अली खान, फवाद खान, मायरा खान,
अली जफर या आतिफ असलम? आतिफ असलम। होता है और ले जा वो गाना है, आतिफ ने गाया है, बहुत ही प्यारे तरीके से गाया है, संग बाय आतिफ असलम। एंड अगेन यू नो एवरीबॉडी, इट्स माय माय एल्डर सिस्टर्स फेवरेट, माय मदर लव्स इट। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि आतिफ दिल से गाते हैं, कोई जागे सोए मुझ प्यार से गाते हैं, मेरी रातें और मेरे दिन, ही मींस एवरी वर्ड, खोए उसमें। और जब वो जाते हैं वो हाई पिच में, मैं कह दूं सभी का कि तेरा ही है ये असर, जो कोई तो तेरा नाम। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, जिस दिन आतिफ की बर्थडे होती है उस दिन मॉरिशस में छुट्टी होती है, लोग एक दूसरे को बर्थडे गिफ्ट देते हैं आतिफ के नाम पे वहाँ पे। तो हम लोग अपने लोगों को बहुत हल्का लेते हैं, हाँ। लेकिन दुनिया बड़ी इज्जत करती है आतिफ असलम जी। नहीं नहीं, हम हल्का नहीं ले रहे हैं, मैंने तो सिर्फ उनको याद समझा। और बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं दुनिया के, जिनको आतिफ के पीछे, इंडिया के खासतौर से, जिनको आतिफ के पीछे खड़ा करके 4 साल गवाया, तो आज वो भी सिंगर बन गए। क्या बात, आतिफ इज वन ऑफ माई फेवरेट। चलो यू नो इवन आतिफ्स फैंस आर सो cool, like I am very impressed by Adi's, I think unko bolte hai na, bahut sahi hai, oh my god the fandom is literally crazy, matlab maine mere sare pictures unhone dekh liye, फिर मेरे अलग अलग pictures को वो आतिफ के अलग अलग pictures के साथ में collage करके they're posting, wow. And they, like it's so crazy because we're wearing the same colored clothes. ये गायक कौन है, who is this singer is the question. गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके। सबके चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान थी क्योंकि गाना इतना सुंदर था। दो दिन पहले आतिफ असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, मैंने उनसे पूछा था आपके नए फिल्म के बारे में जो उन्होंने गाना गाया, तो मैंने उनसे कहा कि आतिफ और आप वेरी वेल मैच्ड है क्योंकि आप दोनों का रोमांटिक इमेज है। जी, आतिफ इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सिंगर। आई मीन उन्होंने किस्मत कनेक्शन मैंने एक फिल्म की थी, उसमें उन्होंने गाना गाया था बाखुदा तुम ही हो, जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और अब इस फिल्म में फटा पुस्तक निकला हीरो में उन्होंने एक और गाना गाया कॉल्ड रंग शरबतों का, जो अगेन इज अ रोमांटिक सॉन्ग, एंड ही हैज एब्सोल्युटली फिनोमिनल वॉइस। एंड आई थिंक एनी एक्टर हु गेट्स टू परफॉर्म टू हिज वॉइस इज वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज आई थिंक उनकी आवाज के अंदर इतनी फीलिंग है और इतना रोमांस है और वो इतनी इंटेंसिटी के साथ गाते हैं। दिल से चाहता हूँ, यहाँ पे सब बहुत सारे फैन हैं आपके, मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ आपके गाने, और अगले कोई सिचुएशन नहीं, आप सिर्फ 2 लाइनें हम सुना दीजिए जोरदार। सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, सीखा मैंने जीना मेरे हमदर्द। प्लस अबाउट योर रिलेशनशिप विद आतिफ असलम। हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहा हुआ है काफी अरसे तक, एंड बट आई थिंक नाउ बोथ ऑफ अस वी आर इन आवर ओन सेपरेट वेरी कंफर्टेबल ज़ोन्स इन आवर लाइव्स, and both of us are very content. I've always wished him the best of luck in everything, and I hope so it's mutual, and I respect him for his talent and whatever he's achieved. I think Atif ne mere liye nahi gaya hai Chennai Express mein. Nahi nahi, Atif ne gaya hai, Atif ne gaya. I told Atif to sing Geru actually, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था शायद, आतिफ के पास वक्त। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स करना मत भूलिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।